चैनल पारुल पाठक विशाखापट्टनम गाइस। ये देखिए आटा है, आटे में मैं नमक डाला है, थोड़ा सा अजवाइन, और ये मैंने पालक को पीस लिया है। जो बच्चे पालक की सब्जी नहीं खाते तो आप उनके लिए आटे में गूंथ के पराठे बनाइए, बहुत यम्मी बनते हैं। आप इसमें चाहो तो मोयन डाल सकते हो, खस्ता बन जाते हैं, मलाई भी डाल सकते हो। मैं ये अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ, इस थोड़ा वैसा हो जाएगा इसलिए। और ये देखिए मैं आटे को गूंथ रही हूँ, उसमें मलाई डालने से क्या होता है ना कि आटा जो है सॉफ्ट हो जाता है गाइस, है ना। एक हाथ में मैं कैमरा पकड़ी हुई हूँ, मतलब मोबाइल पकड़ी हुई, एक हाथ से आटा गूंथ रही हूँ। तो गाइस मैं ऐसे ही करती हूँ, पार्थ के लिए जब मुझे खिलाना होता है तो मैं कभी हरा भरा कबाब बना लेती हूँ, पालक के कोफ्ते बना लेती हूँ, पालक की कढ़ी बना लेती हूँ, पालक की दाल बनती है और पालक की पकौड़ियाँ भी बनती हैं बहुत अच्छी, और ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ। अगर जिसको पराठे नहीं खाने तो वो रोटियाँ बना के खा सकते हैं, घी लगा के, देसी घी, बहुत टेस्टी और यम्मी बनता है। तो मैंने सोचा आपको शेयर करूँ। और गाइस आटा मैं ज़्यादा नहीं गूँथती हूँ क्योंकि आटा को नहीं रखना चाहिए, उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं साइंटिफिक रीज़न, और घर में पित्त दोष लगता है। इसीलिए हो सके तो आटे की रोटी बना लीजिएगा, चाहे पशु पक्षी को खिला दीजिए, या खुद भी यूज़ कर सकते हो दही छाछ में या दूध में, उसको मीन के मसल के खा सकते हो। और बासी रोटियां बच जाए तो उसका पोहा भी बना सकते हो, पोहे की तरह बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी बनता है। पालक का रायता भी बनता है गाइस, बहुत यम्मी टेस्टी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन हमें अपने बच्चों को ये सब चीज़ों के खिलाने की आदत डालनी चाहिए, ना कि फास्ट फूड। फास्ट फूड कभी कभार महीने में या मंथली या फिर वीकली हो गया, और हो सके तो बाहर से अच्छा घर पे बना के खिलाएं। हेल्दी टिप्स हैं ये। और ठीक है गाइस मैं काम कर लूँ, पार्ट सो रहा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, न्यू जुड़े हैं बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आप सोचिए एक हाथ में मेरे पे मोबाइल है, फ़ोन है, शूट कर रही हूँ, एक हाथ से बना रही हूँ, उसे अपलोड करती हूँ, कितना हमको मेहनत लगती है गाइस। प्लीज़ आप देखते हो तो कमेंट भी कर दिया करो अपने पारुल के लिए। बाय बाय गाइस, जय श्री राधे कृष्णा।